अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। पूर्वोदाहरणों की लंबी परंपरा से हर हिंदू जानता है कि किस जाति से वो भोजन प्राप्त कर सकता है और किससे नहीं। मुख्यतः इसका फैसला ब्राह्मणों के नियम करते हैं। जिस जाति से ब्राह्मण भोजन लेता है वो ऊंची जात होती है, जिससे वो नहीं लेता वो नीची जात होती है। खान पान के बारे में ब्राह्मणों के नियम विशद है। वो कुछ से ही पानी लेगा और किन्हीं अन्य से नहीं। ब्राह्मण किसी जाति से ऐसा भोजन नहीं लेगा जो पानी में पकाया गया हो, और कुछ जातियों से वो केवल तेल में छौंका गया भोजन लेगा। पुनः बर्तन के मामले में भी उनके नियम है, उसी के अनुसार वो भोजन तथा पानी ग्रहण करेगा। कुछ जातियों से वो मिट्टी के बर्तन में भोजन अथवा पानी ग्रहण करेगा, कुछ से वो केवल धातु के बर्तन में और कुछ से वो केवल कांच के बर्तन में ग्रहण करेगा। इससे भी जाति के स्तर का निर्धारण होता है। यदि वो किसी जाति से तेल में छौंका गया भोजन ग्रहण करता है तो इसका दर्जा उस जाति से ऊंचा होता है जिससे वो ग्रहण नहीं करता। जिस जाति से वो जल ग्रहण करता है वो उस जाति से ऊंची होती है जिससे वो जल ग्रहण नहीं करता। यदि वो धातु के बर्तन में जल ग्रहण करता है तो वो जाति उस जाति से ऊंची होती है जिससे वो मिट्टी के बर्तन में जल ग्रहण करेगा। जिस जाति से वो मिट्टी के बर्तन में जल ग्रहण करेगा वो उस जाति से ऊंची होती है जिससे वो कांच के बर्तन में जल ग्रहण करेगा। कांच एक ऐसा तत्व है जिसे निर्लेप निर्दोष कहते हैं, अतः उसमें ब्राह्मण सबसे नीचे जाति से भी पानी ग्रहण कर सकता है। लेकिन अन्य धातुएं दोष ग्रहण करती है। दोष ग्राह्यता भी उपयोग करने वाले व्यक्ति के दर्जे पर निर्भर करती है। ये बर्तन में जल ग्रहण करने की ब्राह्मण की इच्छा पर निर्भर करता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो परंपरा क्रम वाली इस हिंदू जाति व्यवस्था में जाति का स्थान और दर्जा निर्धारित करती है। ऐसी है जाति और ऐसी है जाति व्यवस्था। सवाल यह है कि हिंदू समाज संगठन को जानने के लिए क्या इतनी जानकारी पर्याप्त है। हिंदू समाज संगठन के रूढ़ स्वरूप को समझने के लिए जाति और जाति व्यवस्था का ज्ञान पर्याप्त है। हमें इन तथ्य से अधिक की जानकारी आवश्यक नहीं कि हिंदू जातियों में बटे हैं और जातियां ऐसी व्यवस्था का गठन करती हैं जिसमें सब एक ऐसे धागे पर टंगे रहते हैं जो व्यवस्था में इस प्रकार पिरोया जाता है कि एक जाति को दूसरी जाति से लपेटते और अलग करते समय वो उन्हें इस प्रकार धारण करे जैसे वो टेनिस की ऐसी गेंदों की माला हो जो एक दूसरे के ऊपर टंगी हो। लेकिन जाति के चेतन स्वरूप को समझने के लिए इतना पर्याप्त नहीं होगा। जाति के ढांचे के मूर्त रूप को समझने के लिए जाति व्यवस्था के अलावा जाति के एक अन्य विशिष्ट लक्षण पर ध्यान देना जरूरी है और वो है वर्ग व जाति व्यवस्था। जाति और वर्ग की धारणाओं का आपसी रिश्ता दिलचस्प विवाद का विषय रहा है। कुछ कहते हैं कि जाति और वर्ग दोनों एक जैसे हैं और दोनों में कोई भेद नहीं है, पर कुछ अन्य कहते हैं कि जाति की संकल्पना वर्ग की संकल्पना के मूलतः प्रतिकूल है। जाति के इस पहलू के बारे में अब आगे और प्रकाश डाला जाएगा। फिलहाल जाति व्यवस्था के उस प्रमुख लक्षण पर जोर देना जरूरी है जिसका उल्लेख इससे पूर्व नहीं किया गया है। वो ये है, यद्यपि जाति की धारणा वर्ग धारणा से भिन्न और उसके प्रतिकूल है, फिर भी जाति से भिन्न जाति व्यवस्था एक ऐसी वर्ग व्यवस्था को मान्यता देती है जो उपरोक्त क्रमबद्ध दर्जे से कुछ भिन्न है। जिस प्रकार हिंदू अनेक जातियों में बटे हुए हैं उसी प्रकार जातियां भी विभिन्न वर्गों में बटी हुई है। हिंदू में जाति विभावना होती है, उसमें वर्ग भावना भी होती है। उसमें जाति भावना या वर्ग भावना इस बात पर निर्भर करती है कि उसका टकराव किस जाति से होता है। जिस जाति से उसका टकराव है यदि वो उसके वर्ग की ही जाति है तो उसमें अपनी जाति श्रेष्ठता की भावना होती है। यदि जाति उसके वर्ग के बाहर की होती है तो उसमें वर्ग श्रेष्ठता आ जाती है। इस बारे में यदि कोई प्रमाण चाहता है तो वह मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों के आंदोलन का अध्ययन कर सकता है। ऐसे अध्ययन से कोई संशय नहीं रह जाता कि
हिंदू के लिए जाति की परिधि वर्ग परिधि जैसी ही यथार्थ है और जाति उच्चता वर्ग उच्चता जैसी ही यथार्थ है। कहा जाता है कि जाति वर्ग व्यवस्था का विकसित रूप है। आगे मैं ये सिद्ध करूंगा कि ये निरी बकवास है। जाति वर्ण का विकृत रूप है। जाति वर्ण का विकृत रूप है। जो भी हो, ये विकास विपरीत दिशा में हुआ है। लेकिन जहाँ जाति वर्ण व्यवस्था को पूर्णतः विकृत कर दिया है, वहाँ उसने वर्ण व्यवस्था से वर्ग व्यवस्था उधार ले ली है। वास्तव में वर्ग जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के वर्ग विभेदों का बहुत कुछ अनुसरण करती है। यदि जाति व्यवस्था पर इस दृष्टिकोण से विचार करें तो हमें अनेक वर्ग मिलेंगे जो जाति व्यवस्था के इस पिरामिड में बड़े बड़े शिला खंडों की तरह आर पार एक के ऊपर एक व्यवस्थित है। पहला वर्ग उस व्यवस्था का है जिसे चातुर्वर्ण कहा जाता है। चातुर्वर्ण की प्राचीन व्यवस्था में प्रथम तीन वर्णों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों को एक वर्ग तथा चौथे वर्ण अर्थात शूद्र को दूसरे वर्ग में रखकर दोनों के बीच अंतर मिलता है। प्रथम तीन वर्ग को द्विज वर्ग माना गया, शूद्र को द्विज वर्ग नहीं माना गया। विभेद का आधार यह है कि प्रथम तीन को यज्ञोपवीत धारण करने और वेद के अध्ययन का अधिकार है। शूद्र को दोनों में से कोई भी अधिकार नहीं है, इसी कारण उसे द्विज वर्ग में नहीं माना गया। ये अंतर अब भी है। ये वर्तमान वर्ग भेद का आधार है। उसने जातियों को दो वर्गों में बांट दिया है। एक वर्ग वह है जो शूद्र के विशाल वर्ग से जन्मा है और दूसरा वर्ग ये है जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों के तीन वर्गों से पैदा हुआ है। वर्ग भेद की यही परतें उच्च जाति और निम्न जाति कही जाती है और उच्च जाति की जाति तथा निम्न वर्ग की जाति के क्रमशः लघु रूप है। इस पिरामिड में चट्टान की एक परत और है। ये चतुर्ण वर्ण की जाति के ठीक नीचे स्थित है। ये परत चार वर्णों अर्थात पहले तीन अर्थात ऊंची जाति तथा चतुर्थ वर्ण से अर्थात नीची जाति से उत्पन्न सभी जातियों के बाद की जातियों की परत है, जिन्हें मैं अवशिष्ट कहता हूँ। ये अपने से ऊपर वाली परत की जातियों को उच्च मानती है। ये भी एक वास्तविक परत है। ये उस सुपरिभाषित विभेद का अनुसरण करती है जो चातुर्वर्ण का मूल सिद्धांत था। जैसा कि बताया गया है, चातुर्वर्ण ने चार वर्गों के बीच विभेद किया। उसने तीन वर्गों को चौथे से उच्च माना, लेकिन उसने वैसा ही स्पष्ट विभेद उन जातियों के बीच किया जो चातुर्वर्ण के भीतर और जो चातुर्वर्ण के बाहर थी। इस विभेद को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्दावली थी। जो चातुर्वर्ण के भीतर थे, चाहे उच्च थे या नीच, ब्राह्मण थे अथवा शूद्र, वे सवर्ण कहलाए अर्थात उन पर वर्ग वर्ण की मुहर लगी थी। जो चातुर्वर्ण के बाहर थे, वे अवर्ण कहलाए यानी उन पर वर्ण की मुहर नहीं लगी थी। चारों वर्णों से उत्पन्न जातियों को सवर्ण हिंदू कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे कास्ट हिंदू कहा जाता है। शेष अवर्ण है जिन्हें आजकल यूरोपियन नॉन कास्ट हिंदू कहते हैं, यानी वे चार मूल जातियों अथवा वर्णों से बाहर हैं।